नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। महाराष्ट्र और राजस्थान की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी प्रदेश के दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी में है। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए सालाना का वित्तीय भार आएगा। प्रदेश के वित्त विभाग ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है। लोकसभा चुनाव के पहले दूध उत्पादकों के लिए ये एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। कितनी कारगर होगी ये नई व्यवस्था, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज इसी विषय पर चर्चा होगी। चर्चा से पहले लेकिन आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। सूबे की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। इसके तहत दूध उत्पादक किसानों को प्रत्येक लीटर दूध के उत्पादन पर 5 रुपए की बोनस राशि देंगे। ये राशि हर महीने उनके खाते में जमा होगी। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद ये प्रस्ताव जल्दी कैबिनेट बैठक में लाने की तैयारी है। दरअसल दूध उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पर है। लेकिन राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 591 मिलीलीटर प्रतिदिन है, जो कि राष्ट्रीय औसत 444 मिलीलीटर प्रतिदिन से कई अधिक है। राज्य की GDP में भी दूध उत्पादन क्षेत्र का योगदान 7% से अधिक बना हुआ है। कुल उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश में रोजाना 18,000 मेट्रिक टन दूध का उत्पादन हो रहा है। 11,000 से अधिक दूध सहकारी समितियां भी हैं। लेकिन उत्पादन दूध समुचित मात्रा में राज्य दुग्ध संघ तक नहीं पहुंचने से शहरी क्षेत्रों में इसकी किल्लत हमेशा बनी रहती है। इसकी एक बड़ी वजह दूध उत्पादन की लागत की तुलना में उत्पादकों को दुग्ध संघों से उचित दाम नहीं मिल पाना है। इसके चलते अधिकतर दूध उत्पादक खुले बाजार में अपने उत्पाद का विक्रय करना ज्यादा मुफीद मानते हैं। देखा जाए तो गुजरात से ज्यादा दूध उत्पादन होने के बावजूद इसकी संग्रहण व्यवस्था संतोषजनक नहीं की जा सकती है। इसे सुसंगत बनाने ही प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब दूध उत्पादकों को 200 करोड़ रुपए सालाना की प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी में है, जो इन किसानों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में डॉक्टर मोहन सरकार। चलिए इसी पे आज चर्चा रहेगी। चर्चा के लिए पैनल पर आज हमारे साथ स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से आपको बता दें पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ में जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, एक बड़ा तोहफा दूध उत्पादकों के लिए मोहन सरकार के द्वारा। बिल्कुल रम, देखिए हालांकि इस पर कवायद लंबे समय से जारी है, लेकिन अब जो फैसला सरकार लेने जा रही है, क्योंकि वित्त विभाग की अनुमति सरकार को मिल गई है, करीब 200 करोड़ रुपए सालाना का इस पे अतिरिक्त भार सरकार पर आएगा। लेकिन किसानों के दूध उत्पादकों कहें तो दूध उत्पादकों के कल्याण के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लेने जा रही है। और जल्दी जो उम्मीद है, मतलब जो जानकारी वो यही है, किसी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले शायद ये लागू कर दी जाए। देखिए रम, हालांकि ये मतलब इस तरह की जो व्यवस्था है गुजरात में तो काफ़ी पहले से है, वहाँ पर तो अमूल इंडिया की तरफ से ये व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ये इस तरह की प्रोत्साहन राशि देकर वहाँ पर दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं और दूध उत्पादकों को एक तरीके से लाभान्वित भी किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो देखिए मध्य प्रदेश में तो पहले ही हम तीसरे स्थान पर हैं दूध उत्पादन के मामले में। पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे में मध्य प्रदेश आता है जी। तो करीब जैसा आपने बताया रिपोर्ट में, देखिए 18,000 मेट्रिक टन का दूध का उत्पादन तो हो ही रहा है, लेकिन व्यवस्था वही है। 11,000 से अधिक सहकारी समितियां भी बन गई हैं, जबकि 2012 में इनकी संख्या करीब 192 के आसपास थी। पिछले एक दशक में इस दिशा में काफ़ी तेजी से काम हुआ है, इसके चलते उत्पादन भी बढ़ा है, सहकारी समितियां भी गठित हुई हैं। लेकिन आज भी देखिए कि दुग्ध संघ, जो बड़े दुग्ध महासंघ हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं पाउडर आधारित दूध बनाने पे निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें समुचित मात्रा में दूध मिल नहीं पाता और नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें तो चूँकि आपूर्ति व्यवस्था बनाकर रखना है, इसके लिए जो है वो पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस दूध उत्पादकों को राहत भी मिले और वो प्रोत्साहित हों कि दुग्ध संघ तक उनका दूध पहुंचे, और जो वितरण व्यवस्था है, एक जो संग्रह व्यवस्था कह सकते हैं, वितरण व्यवस्था कह सकते हैं,
ये व्यवस्था में सुधार आए इसके लिए सरकार प्रयासरत है। आप देखिए कि अभी 2 दिन पिछली कैबिनेट बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने जो है प्रदेश में गायों की जो स्थिति है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की थी कि कैसे और स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, कैसे गौशालाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है, उस पर भी अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने मंत्रियों संग विमर्श किया है और हाँ। मुझे लगता है कि जल्दी इस दिशा में भी कुछ सार्थक प्रयास सामने चलिए आएंगे। जितेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप इस कदम को, मोहन यादव सरकार के इस कदम को दूध उत्पादकों के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले दशक में दूध उत्पादन बढ़ा है लेकिन सहकारी समितियों को नष्ट करने में सरकार जुटी हुई है। कहीं ना कहीं आपने देखा गुजरात से भी आगे दुग्ध उत्पादन में हम निकल गए हैं, लेकिन है। इसके बाद भी दुग्ध उत्पादक किसान अगर मजबूत नहीं है तो मुझसे मालूम चलता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। इसलिए आज दुग्ध उत्पादक किसानों की हालत यह है। मध्य प्रदेश में तिलहन संघ को बंद किया गया, आपने देखा मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों की कमर तोड़ने पर सरकार उतारू थी। अभी तक लगातार दुग्ध उत्पादक किसान ठगासा महसूस कर रहा था। मध्य प्रदेश में धान का रकबा बढ़ा है, मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण मिला है, लेकिन यहाँ का किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। लेकिन अब तो कदम उठा लिया है जितेंद्र जी। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कदम है। 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में इरम इस देश को झोंकने, मध्य प्रदेश को झोंकने के बाद भी अगर मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की भेंट मध्य प्रदेश का पैसा चढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो टैक्स के पैसे अदा करता है वो कहीं ना कहीं ठगासा महसूस कर रहा है। ये सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था की है, इसका मतलब देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश पीछे जा रहा है। भुखमरी में सरकार के माथे पर कलंक है। किसी देश में भुखमरी से मौतें नहीं होती लेकिन इस देश में भुखमरी से मौतों के नाम पर कलंक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। निश्चित तौर पर किसानों को लुभावने वादे किए जाते। स्वामीनाथन रिपोर्ट को आपने देखा, 2017 में किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की गई थी, आज भी किसान घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसलिए किसानी को लोग बेच रहे हैं और शहरों में मजदूरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देश की सरकार कहीं ना कहीं चुनाव आते तो इस तरीके के वादे करती, अगर इसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन होता तो आज किसान मजबूती के साथ खड़ा होता। मध्य प्रदेश में किसान की हालत आपने देखी, देश का किसान आंदोलन करने पे मजबूर है। कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए, किसान कर्ज माफी की दिशा में जब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक आप किसान को मजबूत नहीं कर सकते। 2-2 हजार रुपए उसको दे करके आप कहेंगे किसान को हम खरीद लें, किसान यहाँ का स्वाभिमानी किसान है, वो लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात करें चाहे दूसरी फसलों के उत्पादन की बात करें। जब तक उसको मुनाफे के सौदे में नहीं बदलेंगे जब तक किसानों की हालत में सुधार नहीं होगा। क्या कहेंगे पंकज जी आप यहाँ पे? जितेंद्र जी तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ये तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक स्ट्रेटेजी है सरकार की। देखिए, जिस प्रकार की निराशाजनक स्थिति में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर है या प्रदेश के स्तर पर है, ऐसी स्थिति स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन में, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे अन्नदाता साथी हैं जो पशुपालक भी हैं, दूध उत्पादक भी हैं और खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने 2003 से हम 2028 तक की योजना तय है, क्योंकि अब अगला चुनाव विधानसभा 28 में है, कांग्रेस पार्टी को बहुमत की योग्य नहीं समझे। 16 का आंकड़ा पार्टी पिछले 25 साल में नहीं पार कर पाई। तमाम प्रकार के झूठे आरोप लगाना, इसी मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी के नाम पर किस प्रकार का धोखा 15 महीने की कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने किया सबके सामने, और उसके बाद कांग्रेस का क्या हश्र है वो सबके सामने। इसी मध्य प्रदेश में सरकार ने किसानों को पिछले वित्तीय वर्ष में, जो चुनाव के पहले का वित्तीय वर्ष था, 3 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया केंद्र और राज्य की भिन्न भिन्न योजनाओं, जिसमें किसान सम्मान निधि से लेकर उपार्जन और मुआवजा तमाम सारी चीज। ये किसानों के फसल बीमा की प्रीमियम जमा नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार जो थी उसने प्रीमियम जमा नहीं किया, उनका रिस्क कवरेज कम कर दिया ताकि प्रीमियम कम हो जाए, उसके बाद भी उनका भला नहीं किया। यहाँ बीजेपी की सरकार ने समय पर काम किया, अन्य का एक एक दाना खींचा, और हम कांग्रेस को बता दें कि मध्य प्रदेश अभी गेहूं उपार्जन में नंबर वन और चना उपार्जन में नंबर वन है। उपार्जन में नंबर वन यानी एरम हम भुगतान कर रहे हैं। दलहन के मामले, मध्य प्रदेश की जो मूंग है पूरे देश में प्रसिद्ध है और दलहन में पूरा देश आत्मनिर्भर दालों के मामले में ठीक है, और यही स्थिति के दूध उत्पादक पशुपालक के विषय में है।
और जो मूलतः किसान होते हैं उनकी कोशिश होती है कि खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन किया जाए, तो पशुओं का उपयोग खेती कार्य में होगा, पशुओं से खाद भी के मामले में जो हमारी जैविक खाद होती है जैविक खाद मिलेगी, और इन्हीं पशुपालक किसानों के दम पर पशुओं की दम पर मध्य प्रदेश जैविक खेती में पूरे देश में 40% का योगदान देता, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश का, ठीक है, किसकी दम पर है? ये कांग्रेस के झूठे आरोपों की दम पर, कि वो पशुपालक किसान जो पशुपालन भी करते हैं, दूध उत्पादन भी करते हैं और गोबर जैसी प्राकृतिक खाद भी देते हैं, गोमूत्र जैसा औषधि भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि सरकार जैसा आपकी रिपोर्ट कह रही कि योजना बना रही कि हम यदि दूध पर बोनस की बातचीत करें लगभग 5 रुपए प्रति लीटर, तो ये इनका वादा भी था। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के वचन पत्र में जो झूठ बोले थे उसमें झूठ ये भी था, दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस। तो जो कांग्रेस का झूठ था उसे भाजपा सच करके बता रही है, जो इन्होंने कहा जो ये नहीं कर पाए उसे हम यानी बीजेपी करके बता रही है। तो उनको धन्यवाद साधुवाद देना चाहिए, मोहन यादव जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि हम अन्नदाताओं की सुध ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण के लिए कृषि कैबिनेट अलग से, कृषि कल्याण की ढेर सारी योजनाएं है, चाहे सिंचाई के क्षेत्रफल की बात करें, खाद बीज फसल की बात करें, उर्वरक की बात करें, नैनो यूरिया की बात करें, तमाम सारे विषय ऐसे हैं कि यदि इन पर चर्चा की जाए तो मुझे लगता है कि 2-4-5 डिबेट कम पड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस उत्तर नहीं दे पाए। चलें ले लेते हैं अभी जितेंद्र जी से उत्तर। जी बताइए जितेंद्र जी। नहीं देखिए, बातें करना और काम करने में बहुत अंतर है। कांग्रेस में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, आप भले झुठला दें लेकिन आपके घर पर, आपके घरों पर जाकर के उनके हमने बिल और रसीदें भेजी हैं, बंडल बांध करके कि देखिए, आपके मंत्री ने स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं किसान कर्ज माफी कांग्रेस की सरकार में हुई है, तो निश्चित तौर पर बड़ा कदम था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने गौशालाओं की बात की सिर्फ इसीलिए कि गौपालक मजबूत हो और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में प्रगति के पंख लगे। लेकिन आप ये बताइए कि सारा आपने बताया कि चने में भी किसान अच्छी उत्पादन ले रहा है लेकिन फिर आत्महत्या क्यों कर रहा है, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उसको उत्पादन का मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी खाद और बीज आप लगातार महंगा करते जा रहे हैं। खाद में आपने एक नया कलाकारी की है कि आपने 50 किलो के बंडल को 45 किलो और 45 किलो के बैग को 40 किलो पे ला दिया और रेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो कमर टूट गई है किसान की। किसान अच्छा उत्पादन कर रहा है, ये सौभाग्य मध्य प्रदेश का, लेकिन किसान की हालत खराब होती जा रही है, क्योंकि आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट का वादा किया तो 2017 में लागू कर देंगे, आज 2023 निकल गया, 24 आने को हो गया, अभी भी चुनाव दिख रहा है, तो आप किसान को लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रहे हैं। किसान की हालत जब मजबूत होगी, जब किसान को कर्ज माफी मिलेगी, किसान पर लगाए गए बोझ कम होंगे, किसान को खाद और उर्वरक जो है वो कम दामों में उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, सरकार लगातार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही, आज भी कोई ना कोई ऐसा बड़ा सिंडिकेट मध्य प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में आने को तैयार है, जिसको लेकर के सारी चीजें कही जा रही, क्योंकि मध्य प्रदेश दुग्ध में अच्छा उत्पादन करने के बाद भी लागत मूल्य नहीं निकाल लेकिन पा रहा, फायदा तो किसानों को ही होगा ना, दूध उत्पादकों को ही होगा ना, अगर सरकार ये कदम पर अगर आगे बढ़ती है तो फायदा तो होगा। आप पिछली बार भी अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद भी जब नतीजे आ गए उस वक्त आपने लाडली बहना योजना पर खूब उंगलियां उठाई, खूब आपने बातें की कि यहाँ पे अब राशि नहीं दी जाएगी, लेकिन दी गई। और अब इस बार तो ये भी ऐलान कर दिया कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सरकार ने कि पहले ही राशि दे दी जाएगी होली को और बाकी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि 1 मार्च को ही यहाँ पे राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। नहीं देखिए, सवाल इस बात का है कि आप आमदनी कैसे बढ़ा पाए, आप लगातार कर्ज लेकर के इस तरह के काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मोहन सरकार को बने हुए कितना समय हुआ, लगातार तीसरी बार कर्ज लेने की तैयार, 4 लाख करोड़ रुपया कहाँ खर्च किया ये तो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। 33,000 करोड़ रुपए के कर्ज में हमने मध्य प्रदेश को सौंपा था, आज 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो गया, लेकिन जब आउटपुट देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है। किसान लगातार परेशान होता रहा, आज चूंकि डिबेट किसान पर है इसलिए किसान की बात करना जरूरी हो जाता है कि क्यों किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में कर रहा है, उसकी सुधार भी तो करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उसकी फसलों का उचित मुआवजा मिले, उसकी फसलों का उचित मूल्य मिले, तब जाकर के किसान मजबूत होगा, 2,000-3,000 रुपए देने से किसान मजबूत नहीं होगा। चले ठीक है, आपसे जान लेते रवि जी, सुना आपने दोनों को। देखिए बिल्कुल, हालांकि दोनों प्रवक्ता जो है अपने अपने पार्टी का दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए 2001 में मध्य प्रदेश में 192 सहकारी समिति हुआ करती थी जो दूध संकलन का काम करती थी, आज उनकी संख्या बढ़कर अगर 11,000 हुई है तो ये तो कह सकते हैं ना कि काम हुआ है।
अगर उस समय दूध का उत्पादन 8,000-9,000 मीट्रिक टन था, आज वो बढ़कर अगर 18,000 मीट्रिक टन हो गया है, तो निश्चित तौर पर इस दिशा में प्रयास हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रयास उतने अपेक्षित जितनी अपेक्षा की जाती है, हो सकता है उतने ना हुए हों, इसके चलते आज फिर से एक बार जरूरत महसूस की जा रही है कि किसानों को, उत्पादकों को 5 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाए, जबकि पड़ोसी राज्य जो है ये काम पहले कर चुके हैं। तो लेकिन इरम, मेरा एक दो तीन सुझाव इसमें मोटे तौर पर यही है कि देखिए, 5 रुपये आप प्रोत्साहन राशि दे देंगे, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें, लागत कम हो इसके लिए भी ध्यान दी जानी चाहिए। खास करके देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या कृषि क्षेत्र में होगी, चूँकि मैं भी गाँव से रहवासी हूँ तो ये बात बेहतर तरीके से जानता हूँ कि आज गाँव में भूसा मिलना बहुत दुष्कर काम हो गया है। जितेंद्र जी भी शायद इससे इत्तेफाक रखते होंगे, और क्योंकि देखिए आज सबसे बड़ा, और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब से हार्वेस्टर का चलन बढ़ा है, भूसा जो है वो एक तरीके से, भूसा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चारे का एक सबसे बड़ा माध्यम है पशुओं के लिए, क्योंकि आज चरनोई भूमि तो ग्रामीण इलाकों में बची नहीं है, हरियाली वाली जो हरित घास जो है वो पशुओं को मिलती नहीं है। अब भूसा एक बड़ा माध्यम है जो पशुओं के चारे के तौर पर उपयोग होता है, तो लेकिन वो भी अब एक तरीके से देखा जाए तो इतना महंगा होते जा रहा है। उसकी दो वजह है, एक तो हार्वेस्टर का चलन बढ़ने से भूसा का संग्रहण नहीं हो पाता जो पहले बहुत आसान था, दूसरा उद्योगों में भूसे का उपयोग हो रहा है और ये अवैध उपयोग हो रहा है। आप देखिए कि कोयले की जगह भूसा इस्तेमाल किए जाने से, कई जगह बॉयलर में भूसा इस्तेमाल होता है, इसकी वजह से भी इसकी महंगाई बढ़ी है। आज आप देखेंगे तो एक यानी आपको बहुत भूसा जो है मिलना बहुत महंगा भी हो गया और मुश्किल भी हो गया है। तो एक तो ये, इस पर थोड़ा सा ध्यान सरकार को देना चाहिए, और दूसरा लागत कैसे कम की जाए। खास करके देखिए, आपकी गायों का दूध सर्वाधिक पौष्टिक माना गया है लेकिन आज समाज में इस तरह की एक मानसिकता कह लीजिए इसे आप, कि भैंसों के दूध को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। आप देखेंगे इरम की पिछले अगर आप आंकड़े देखें तो गायों की संख्या मध्य प्रदेश में 4 से 5% कम हुई है पिछली गणना की तुलना में, और भैंसों की संख्या 26% बढ़ गई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है कि गोवंश की या गोपालन की बात जरूर करते हैं लेकिन संख्या तो कुछ और बढ़ रही है ना, दूध कुछ और बढ़ रहा है, जबकि भैंसों का दूध उतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता जितना गायों का होता है। तो बावजूद इसके, एक तो इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तो भैंसें महंगी भी मिल रही हैं तो लागत बढ़ती है, दूसरा उनका खिलाई पिलाई, उनके खाने पीने का वो महंगा होता है, खली चुनी या तमाम जो पौष्टिक आहार है। तो स्वाभाविक तौर पर इस दिशा में भी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लागत कम हो, तो प्रोत्साहन राशि के साथ साथ अगर दूध उत्पादकों को लागत कम पड़ेगी तो निश्चित तौर पर वो दुग्ध संघों को, दुग्ध महासंघों को दूध देने के लिए आगे आएंगे। पंकज जी, यहाँ पे लागत की बात लगातार रवि जी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसीलिए तो प्रयास किया जा रहा है कि लागत कम हो और आपको प्रति लीटर यदि 5 रुपए बोनस मिलता है दूध पर, तो इसका आशय स्पष्ट है कि 5 रुपए प्रति लीटर मूल्य बढ़ना। यदि कोई किसान का आप अनुमान लगाइए, जो यदि दूध उत्पादक या पशुपालक है, उसको रोज 5 रुपए प्रति लीटर दूध पर यदि सरकार, बीजेपी की सरकार लाभ देती है, तो अनुमान लगाइए कि कितनी बड़ी आर्थिक मदद है। मैंने इसीलिए उल्लेख किया कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला था, लिखकर झूठ बोला था, इनके वचन पत्र में था कि दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देंगे, पर ये जो नहीं कर पाए। हमको पता है समयकाल परिस्थिति की आवश्यकता और अन्नदाता की लागत, आप एमएसपी को देख लीजिए, 2014 के एमएसपी, 24 के एमएसपी लगभग 80% की वृद्धि है। मैंने सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत किए, चाहे अन्नदाता के भुगतान के विषय हो, अन्नदाता की फसल खरीदने का विषय हो, ये सब विषय स्थापित करते हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान इतने काम करती है। और जो पशुपालकों को, हम तो बहुत कृतज्ञ हैं, मैंने आपसे उल्लेख किया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मध्य प्रदेश में जैविक कृषि में उनका योगदान है, मध्य प्रदेश के पर्यावरण में उनका योगदान है, हम जो जीरो कार्बन की बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, उसमें उनका योगदान है। तो सबको प्रोत्साहन दे रही बीजेपी की सरकार, और जो और श्रेष्ठ होगा, अभी तो एक शुरुआत है और आगे लेकर जाएंगे इस विषय को। चलिए जितेंद्र जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी इसी पर। नहीं देखिए, कहीं कुछ ले जाने का प्रयास नहीं, जब जब चुनाव आता जब जब इन्हें किसान की याद आती। आप ये देखिए, सुंदरलाल पटवा जी के जमाने में कर्ज माफी की बात हुई थी, आज तक भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी की दिशा में चल नहीं पाई। निश्चित तौर पर रवि जी ने सही कहा, किसान की कर्ज माफी होने से वो नए सिरे से खड़ा हो सकेगा। किसान की लागत मूल्य कम कीजिए या फिर लागत मूल्य जोड़ करके मुनाफा दीजिए, तब जाकर के किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार।
उधार होगा, दो दो पांच पांच रुपए देने से, इधर आप एक जेब में राहत देते दूसरी जेब से उसको निकाल लेते हैं, ऐसे में किसान की हालत नहीं सुधरेगी, मध्यम वर्गी की हालत नहीं सुधरेगी। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के क्या रेट है आपको मालूम है, इससे भंडारण महंगा है, इससे ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है, इससे सारी चीजें महंगी होती है, चाहे किसान की सब्जी हो, चाहे किसान के फल हो, चाहे किसान के अनाज हो। जब तक इसमें आप कमी नहीं लाएंगे, जब तक किसान की राहत पहुंचाने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं होगा। रवि जी का एक छोटा सा कमेंट आप। बिल्कुल इरम, देखिए भले ही देर आए दुरुस्त आए वाला मामला है, लेकिन अगर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलती तो निश्चित तौर पर इससे दूध उत्पादकों को काफ़ी राहत मिलेगी, और मुझे लगता है कि 5 रुपए प्रति लीटर एक बड़ी राशि है जो कहीं ना कहीं इस दिशा में कारगर साबित होगी। चलें, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी, पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी खबर बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र और राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार भी प्रदेश के दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी में है। इस पर करीब 200 करोड़ रुपए सालाना का वित्तीय भार आएगा। प्रदेश के वित्त विभाग ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है। बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी पर चर्चा रही, आप सुनेंगे इजाजत, आप देखते रहिए।